नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश और आप देख रहे हैं पिक्सल पायलट व्लॉग्स। आज घूमते घुमाते और इस तपती सूरज की धूप में हम आ पहुंचे हैं राजस्थान के मशहूर रामदेवरा धाम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाबा रामदेव जी के बारे में और उनसे जुड़े कुछ रोमांचकारी किस्सों के बारे में। तो गाइस, वीडियो से जुड़े रहिए और अंत तक देखिए और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए आपको ले चलते हैं रामदेवरा धाम में। जय बाबा री दोस्तों, रामदेवरा धाम के मुख्य समाधि स्थल पर ले जाने से पूर्व आपको सबसे पहले बाबा रामदेव जी के बारे में कुछ बातें बताते हैं। बाबा रामदेव जी पोखरण शासक अजमल सिंह तंवर के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मैनादी तथा भाई का नाम विरमदेव और बहन लाछाबाई थे। बाबा रामदेव जी का भव्य मेला अगस्त और सेप्टेम्बर माह के बीच में भरता है, जिसको देखने के लिए पंजाब, हरियाणा, गुजरात तथा मध्य प्रदेश से और बाकी भारत के अन्य राज्यों से काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं। बाबा रामदेव जी ने अपने पूरे जीवन काल में काफ़ी चमत्कारी कार्य करे, जिनकी चर्चा हम वीडियो के अंत तक करेंगे। इसलिए आपको पहले बताते हैं यहाँ पे मुख्य प्रसिद्ध घूमने वाले स्थल कौन कौन से हैं, जिन पे आपको बारी बारी से हम लेके जाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी जगह यहाँ पे प्रसिद्ध घूमने की है। रामसरोवर झील, परचम बावड़ी, गुनीचा धाम, विरमदेव मंदिर। तो आइए आपको सबसे पहले हम लेके चलेंगे रामसरोवर झील की साइड। रामसरोवर झील बाबा रामदेव जी ने बनाई थी यहाँ के लोगों की पानी की पूर्ति को पूरा करने के लिए। गांव के निवासियों को जल का अभाव ना रहे, इसलिए रामदेव जी ने मंदिर के रामसरोवर तालाब खुदवाया। ये तालाब 150 एकड़ क्षेत्र में फैला है तथा इसकी गहराई 25 फीट है। राम सरोवर तालाब काफ़ी पवित्र तालाब है। यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करके रामदेव जी के दर्शन के लिए जाते हैं तथा यहाँ पर बोटिंग का लुत्फ भी उठाते हैं। राम सरोवर तालाब के बाद अब आपको हम लेके चलते हैं परचम बावड़ी की ओर। परचम बावड़ी का निर्माण रामदेव जी के कहने पर बनिया बोयाता ने करवाया था। बावड़ी पर लगे चार शिलालेखों से पता चलता है कि घामड़ गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने इनका पुनर्निर्माण करवाया। इस बावड़ी का जल रामदेव जी के अभिषेक करने के काम में लाया जाता है। परचम बावड़ी के दर्शन करने के बाद अब आपको हम लेके चलते हैं यहाँ के रुनीचा धाम व विरमदेव जी के मंदिर। वहाँ जाने के लिए आपको रामदेवरा धाम के बाहर से ऑटो मिल जाएंगे। ऑटो आपको 250 से 300 रुपए चार्ज करेगा सारी जगह घुमाने के। तो आइए चलते हैं हम भैया के पास। सो दोस्तों, जैसे कि भैया ने अभी बताया, जब हमने भैया से पूछा कि बाबा रामदेव जी के बारे में कुछ बताइए, तो भैया ने बोला कि विरमदेव जी के मंदिर में कोई हमें मिलेंगे, वो हमें बताएंगे अच्छे से। तो आइए पहले आपको लेके चलते हैं चिल्लाई माता का मंदिर। हाँ जी, गुनीचा धाम भी इसको ही बोलते हैं। रुनीचा कुआं, रानी नेत्रदे को प्यास लगने पर बाबा रामदेव जी ने भाले की नोक से पाताल तोड़कर पानी निकाला था, इसलिए कुआं यहाँ पर काफ़ी फेमस है। सो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा, बाबा रामदेव जी को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा उनको क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या कहानी है, तो आइए आपको बताते हैं। बचपन में बाबा रामदेव जी द्वारा कपड़े का घोड़ा बनवाने की जिद पर अड़ जाने के बाद अजमल जी ने एक दर्जी को कपड़े देकर बालक रामदेव के लिए घोड़ा बनाने को कहा। बाबा रामदेव जी जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, घोड़ा आकाश में उड़ गया। तब से ही बाबा रामदेव जी को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है।
तो ऐसे ही बाबा रामदेव जी के चमत्कारी किस्सों को सुनते और सुनाते हम पहुंच चुके हैं वीरमदेव जी के मंदिर। वीरमदेव जी के मंदिर के पुजारी एक बाबा से हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई, जिन्होंने हमें बाबा रामदेव जी के जीवन काल की काफ़ी सारी कहानियों को सुनाया। तो दोस्तों आइए आप लोगों को भी सुनाते हैं कहानियाँ बाबा की जुबानी। ये बाबा ब्रह्मदेव जी रामदेव जी अच्छा दो भाई थे। ब्रह्मदेव जी रामदेव जी दो भाई है। हाँ वो तो ब्रह्मदेव जी अच्छा बड़े भाई ब्रह्मदेव जी बड़े भाई। ये गांव विशेष ठोकर पर दर्शन अच्छा मतलब खेलता था अच्छा यहाँ खेलता खेलता स्कूल में होता पगलिया अंदर है अच्छा इधर हाँ पगलिया खेल करते करते यहाँ छोटो मुझे नहीं बड़ा मुझे खेल गया मैं बड़ा हो गया हमें बोड़ा ही बाबा रामदेव जी ने क्या किया है बाबा रामदेव जी ने मतलब मेन क्या क्या किया मतलब अपने मेन राजस्थान में मतलब जैसे घोड़े वाले बाबा क्यों बोलते हैं इनको अच्छा तो तीन रमता खेलता अच्छा 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 अस्सी भी से आठ पूरा बाड़ो घोड़ा रखे रमता था अच्छा गोणियन परसों भी जो थे अच्छा गोणियों आए बारे लूट चुके हैं वो उन्होंने मारी हो वो एक मैंने तो सुना था कोई राजा था उन्होंने घोड़ों को कर लिया था बंदी बना लिया था हाँ, हाँ, बाबा रामदेव जी ने उनको से इनको मतलब छुड़ाया था छुड़ाया आओ अम्मा बैठ जाओ नहीं नहीं ऐसे और पूरा घोड़ा आता जाता यही रहते थे और कौन से राक्षस को मारा था बाबा राक्षस ने बाबू मारी राक्षस ने गोनी में कहीं दूसरी को अच्छा माया ली तो हमारे कहीं पैसे आते हैं वो बता कोई जाओ तो आधा लूट लेते हैं लूट लेते हैं राक्षस ने यहाँ मारी फोन तो कर दिया तो मन तो कुछ है वो पता नहीं हमारा दिल दुखा था मैं हूँ कभी नहीं कर फोन दिया जी पास नहीं। अब जैसे अपन हिंदू लोग तो मानते हैं बाबा रामदेव जी को काफ़ी ज़्यादा अपने मुस्लिम भाई है मुस्लिम लोग भी मानते हैं मतलब सुना है मैंने तो उन लोगों के लिए मतलब क्या ऐसा कुछ पता है उनका नहीं पता वो भी मानते बताए चलो ठीक है बाबा भैरू राक्षस का आतंक पोकन क्षेत्र में 36 कोसों तक फैला हुआ था। ये राक्षस मानव को सूंघ सूंघ कर उसका वध कर देता था। बाबा के गुरु बारीनाथ जी के तप से यह राक्षस डरता था किंतु फिर भी इसने इस क्षेत्र को जीव रहित कर दिया था। एक दिन खेल खेलते हुए बाबा रामदेव जी की गेंद पोकरण में बाबा बालीनाथ महाराज के आश्रम में चली गई। जब रामदेव जी वहाँ गेंद लेने पहुँचे तो बालीनाथ ने कहा कि तुम यह गुदड़ी में छिप जाओ वरना भैरव राक्षस तुम्हें मारकर खा जाएगा। बालीनाथ जी के आदेश पर रामदेव जी गुदड़ी में छिप गए। जब भैरव राक्षस आया और उसने चुंदड़ी खींची तब गुदड़ी लगातार बढ़ती गई और अंत में थककर भैरव राक्षस अपनी पीठ दिखाकर भागने लगा और कैलाश टेकरी के पास गुफा में जा घुसा। वहीं रामदेव जी ने घोड़े पर बैठकर उसका वध किया और पाप का अंत किया। ऐसे ही बाबा रामदेव जी के किस्से सदियों तक और गुनगुनाए जाएंगे। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए पिक्सल पैलेट ब्लॉग। धन्यवाद।